फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सिर्फ 700 फॉलोअर्स बचे हैं भाई साहब, करवा दो 10,000 ताकि मैं भी स्वाइप अप स्वाइप अप स्वाइप अप चला सकूं। प्लीज रिक्वेस्ट। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द रॉग ऑफ व्लॉग्स। आई नो काफ़ी दिनों के बाद मैं आ रहा हूँ ऐसे प्रॉपर घर पे और व्लॉगिंग भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई इधर आपको ये थिंग दिख रही है, ये है फाइल बना के देनी है, तो ये कंप्लीट कर रहे थे हम। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये है, सेकंड थिंग आपको पता है ये पूरा मैसअप हो रखा है, थर्ड थिंग ये है कि भाई सब बॉडी पे भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, डाइट पे भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, और हाँ राइड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, और राइड करने का टाइम अभी मिलेगा भी नहीं बिल्कुल भी, कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से इस मंथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वैसे अप्रैल में भी एग्जाम है लेकिन थोड़े बहुत पोस्टपोन हुए हैं, बट फिर भी टाइम नहीं मिलेगा, बट फिर भी हम व्लॉग करेंगे बिकॉज हमारा एल्गोरिथम बिल्कुल डाउन नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं चिकन या पनीर लेके आता हूँ, अपने लिए सैंडविच बनाता हूँ और खाता हूँ, फिर इस व्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद जाते हैं शेरू भैया के पास, हम ये कर रहे हैं, हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं और इसकी वजह से हम लगे हुए हैं। वैसे बहुत माल की लिस्ट बना ली, अब आएगा कैसे वो देखने वाली बात है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जाता हूँ सामान लेकर आता हूँ। मैं सोच रहा हूँ लगे हाथ जो है वहाँ पे चला जाऊँ, कहाँ पे, सुजुकी के सर्विस सेंटर में। मेरा इंश्योरेंस जो है बिल्कुल ही क्लेम हो चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। सेकंड थिंग ये बात है कि आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैंने वहाँ पे लिस्ट डाली थी, गाड़ी में चेंज हुई है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रदर। अगर आप एक गाड़ी ले रहे हो या फिर बाइक ले रहे हो, सेकंड हैंड ले रहे हो, जैसे भी ले रहे हो, हमेशा उसकी इंश्योरेंस देखो कि इंश्योरेंस है कि नहीं, बिकॉज इंश्योरेंस कभी भी काम आ सकती है, बिकॉज रोड है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे भी मैं तो कैसे चलाता हूँ, क्या ही बात। तो एक बार चलते हैं उधर जाके, देखते हैं कि क्या मामला है, सेट करके आते हैं। सो मैंने अभी गाड़ी देखी है, अब ये कह रहे हैं कि सामान आ जाएगा और आज से लगना स्टार्ट होगा, यानी एक कह रहे हैं एक दिन का काम है, एक दिन में पूरा काम हो जाएगा, कह रहे कल तक गाड़ी ठीक हो जाएगी, प्रॉपर परफेक्ट हो जाएगी। अब डिलीवरी देते हैं कल मिलती है परसों मिलती है, वो डिपेंड करता है कि भाई साहब जैसे जैसे होगा काम। ठीक है, तो भाई साहब एक जो चीज़ है वो तो मेरी निपटी कि हाँ भाई गाड़ी 2-3 दिन में आ जाएगी घर पर। राघव मधुलिका चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, सो जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी है तब से मैंने अपनी डाइट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है, जो मिला मैंने खाया है, बट अब रखना पड़ेगा बिकॉज जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से अगर मैं डाइट नहीं लूँगा तो भाई साहब हो जाएंगे कांड। तो बेटर ये रहेगा कि डाइट लूँ और प्रॉपर जो मेहनत है उसको रंग लाने दूँ। तो यहाँ पे जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है चिकन पनीर, ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, और तीसरी चीज़ है यहाँ पे हमारी ब्रेड, वो भी ब्राउन आटे वाली है, ब्राउन है, दोनों में से एक होगी, ब्राउन है। ठीक है, तो अब सीन ये है, मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए एक हाई प्रोटीन सैंडविच, और वो किस लिए बनाने वाला हूँ, बिकॉज कल मैंने शोल्डर और लेग्स करी थी, अब बहुत पेन हो रहा है, तो भाई साहब बॉडी मांग रही है बे कुछ डाल, तूने फाड़ तो दी है अंदर, तो बना।
ओके सो ऑलमोस्ट तैयार है, बस स्टेक गरम हो रहा है हल्का सा। बाकी पता है यहाँ पे क्या सीन है, मैंने चिकन खाना तो स्टार्ट कर दिया लेकिन मेरे को अभी भी कभी कभी ना थोड़ी बहुत वो होता है ना, फीलिंग आती है घिन वाली, जैसे पहले आते हैं ना जब आप कुछ खाते नहीं हो। टेस्टी तो लगता है ऑब्वियस ही बात है, लेकिन जो है एक लगता है ना अंदर से जो फीलिंग्स होती है कि भाई साहब हम क्या खा रहे हैं। लेकिन यार अब ये बढ़ाने के लिए ना खाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि जिम में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर ली और मैं सप्लीमेंट ज़्यादा नहीं लेना चाहता। जितना माल तुम अंदर डालोगे उतना ही रिएक्शन है, इससे बेटर यही चीज़ है जो दुनिया खा रही है वही खा लो, ठीक है, थोड़ा दिल पे तसल्ली रख के। तो हम डालते हैं सैंडविच को अंदर। अब मैं लिस्ट क्यों बना रहा हूँ उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई साहब मैंने आज तक जितनी भी राइड करी है उसमें कुछ ना कुछ एड मोमेंट में मैं भूला हूँ, एड मोमेंट में जो है मैं लगवाना भूल गया हूँ, जिसकी वजह से मेरे को राइड पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। जैसे मैं देव से ये गोप्रो लेके गया लेकिन इसके केसिंग नहीं लेके गया, तो आगरा राइड में जो शॉट मेरे दिमाग में सोचे थे वो नहीं आ पाए। तो सिंपल सा मेरे यहाँ पे ये रूल है कि भाई साहब ये जो राइड होने वाली है बहुत बड़ी राइड होने वाली है, किलोमीटर्स को लेके नहीं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, एक बहुत ही बड़ा हाथी को लेके उसको लेके तो ये बहुत बड़ी राइड होने वाली है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा ध्यान से प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी बुरा हो मेरे साथ, क्योंकि मैं वो चीज़ें अफोर्ड फाइनेंशियली नहीं लेकिन मेंटली अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं अभी प्रोटीन पीता हूँ, बाइक उठाता हूँ और जाता हूँ भैया के पास, लिस्ट बनाते हैं, बाइक को वॉश करवाते हैं, ल्यूब करवाते हैं, बिकॉज बाइक मेंटेन रखनी है। ओके सो अभी हो रही बाइक की वॉशिंग, ऑलमोस्ट फर्स्ट कोट हो चुका है। अब वॉशिंग किस लिए करवा रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत ही प्यारा रीज़न है, बिकॉज ऑफ द रेन। 600 किलोमीटर बाइक चल चुकी है उससे पहले, और 600 और 700 किलोमीटर पहले मैंने जो चेन ल्यूब करवाई थी, और भैया ने अभी पता नहीं कौन सा वाला क्लीनर मारा है, चेन बिल्कुल न्यू जैसी हो गई, बिल्कुल बढ़िया वाली। तो अभी जो है एक कोट हुआ है, अभी सोप लग के इसको होगा, फिर ल्यूब लगेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि चेन चार्ज बहुत ही महंगा है, तो मेंटेन करके चलोगे तभी अच्छी बात है। तो वॉशिंग होती है उसके बाद मिलता हूँ आपसे। ओके सो यहाँ पे मैं जा रहा था अपनी गाड़ी देख रहे क्योंकि उन्होंने बुलाया था, और मेरी स्कूटी का हो गया ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन कैसे हो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने करा इग्निशन ऑन, करी स्टार्ट, रेस दे रहा हूँ, आगे नहीं जा रही। अब इसमें क्लच का सीन नहीं होता, ठीक है, कुछ निब्बा चाहिए कहिए क्लच वगैरह, उसकी जो बेल्ट है वो टूट गई है। रेस दे रहा हूँ बट टायर नहीं घूम रहा। ओके सो मैंने शेरू भैया को कॉल कर दिया है, वो आ रहे हैं, वेट कर रहा हूँ मैं उनकी। और गाड़ी का पता नहीं वो ठीक हुई नहीं, क्योंकि इसको जल्द से जल्द ठीक करवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई सारा सामान इसी पे लेके आना है मेरे को। तो इसकी बेल्ट अब मैं कह रहा हूँ कि एक ही बारी में खुल रही है ना तो सब चेंज करवा दूंगा एक ही बारी में, बिकॉज इसका भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये बहुत काम की चीज़ है। और मैं सुबह से इसी को बगा रहा हूँ, बाइक सिर्फ वॉशिंग के लिए निकाली थी मैंने, तो देखते हैं भैया कितनी देर में आता। आज भी स्कूटी ठीक होती है, कल ठीक होती है, और लेट्स सी। पेट्रोल सेविंग मोड टाटाडान। ओके सो ये है हमारी बेल्ट जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, टुकड़े टुकड़े, और लग गए हैं 440 वॉट के। अब ये बेल्ट लगवानी पड़ेगी क्योंकि ज़रूरी है। ओके सो खाली बेल्ट ही नहीं, क्लच जो होती है ना इसके अंदर वो भी सारी उड़ी पड़ी है, वहाँ पे वो रखा है सामान, वो रहा ये रहा सामान क्लच का, ये भी सारा उड़ा पड़ा है। तो सारी चीज़ें चेंज होगी यार, ऑब्वियस ही बात है यार, 5 साल हो गए स्कूटी को, और मेरी बहन ने जैसे खींची है वो सिर्फ मेरे को ही पता है, तो सारा ये चेंज होगा मामला। यार देखो अब काफ़ी लोग कहेंगे यार नई स्कूटी ले सकता था कुछ भी, यार अगर मैं सेकेंड हैंड स्कूटी लेता और उसमें भी ऐसी करके प्रॉब्लम्स आती तो मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होता ना और पैसे देने के बाद। तो सिंपल सी बात है, मैंने अपनी पुरानी स्कूटी इसलिए रिस्टोर करी, फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशंस, और मेरे व्हीकल्स को लेके, यानी 2-व्हीलर हो गई 4-व्हीलर हो गई, उनको लेके मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा है, रैदर देन पीपल को लेके, किसी इंसान से ज़्यादा मेरे को इनमें ज़्यादा इमोशन लगते हैं। तो मैं ये ठीक करवा रहा हूँ, भैया सामान लेने गए हैं, आधे घंटे तक ठीक होती है। अब मेरे को मेरी आज की ट्यूशन में मिस करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ दिस, पहले ये ठीक करवाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
बिकॉज सारे काम अटक जाएंगे और कल मेरे को प्रैक्टिकल फाइल भी सबमिट करवाने जाना है, उसके लिए मैं बाइक नहीं निकाल सकता बिकॉज वो क्राउडेड एरिया है। तो ओके, सो वो रहा नया क्लच, ठीक है, ये रही नई बेल्ट, ये रही पुरानी, तो ये सारा चेंज हो रहा है, भैया कर रहे हैं और होप सो ठीक हो जाए। ओके, सो यहाँ पे खत्म होती है हमारी प्रैक्टिकल फाइल और अब हम जा रहे हैं जिम, करेंगे जिम फाइनली। अब मैं जिम के ट्रैक पे आ रहा हूँ जिस हिसाब से मेरी बॉडी मेरे को रिस्पॉन्स कर रही है ना, मतलब जिम में हार्ड भी जा रहा हूँ, ठीक है, और साथ में डाइट भी, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है, फील आ रही है कि भाई मज़ा आ रहा है। तो लेट्स गो टू जिम एंड किल इट, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, फिर करते हैं इस वीडियो को एंड। और यार आज मैंने इसको याद करा, बड़े टाइम बाद इसको याद करा, यार एक्चुअली क्या था, मैं यहाँ पे काम कर रहा था, एक्चुअली क्या था, मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रहा था और मेरी नज़र गई इस पर, बहुत कम जाती है, बहुत ही प्यारी लग रही है यार। होप सो एक दिन पक्का मैं कोशिश करूँगा ये लेने की, जमा करता है पैसे अब इसके लिए, मेरे को लेनी है, सेकेंड हैंड ही चाहिए या फर्स्ट हैंड, जैसे भी मिले मेरे को वापस चाहिए, मेरे नीचे खड़ी होनी चाहिए, ये चाहिए मेरे को, मेरा गोल सेट है कि अपने पैसों से ऑन कैश ये ले कर रहेंगे। आई नो यू गाइज वंडरिंग कि राघव को क्या हो गया है, वीडियो क्यों नहीं डाल रहा है। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं अभी भी फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरे पेपर्स आने वाले हैं, यानी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता जो मैंने पास्ट में गलतियाँ करी कि उसी दिन पढ़ना, वो होता है ना हरकतें वाले सीन, जो कि मेरे साथ भी हुए हैं, आई नो काफ़ी आप लोगों के साथ भी हुए हैं, बट मैं वो नहीं चाहता, बिकॉज क्या होता है, आप ना गलतियों से सीखते हो, जब गलतियों से सीखते हो वो गलती दोबारा करना वो दिमागदारों की बातें नहीं होती। तो हम भी अपना दिमाग लगा रहे हैं, हमने कम से कम तो पूरे साल टाइम नहीं मिला, हम यूट्यूबर हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता, जैसे कि आपने देखा कि मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी तो भाई यूट्यूब पे छड़ गया पीछे, तो यही होता है भाई साहब, एक चीज़ पे फोकस रहना चाहिए हमेशा, या तो स्टडी कर लो या फिर क्या बोलते हैं यूट्यूब कर लो, दोनों पे सवार हो गए तो डूबोगे, मेरा एग्जांपल ले लो, सिंपल सी बात है, अब स्टडी करने लग रहा हूँ तो यूट्यूब नहीं हो पा रहा, तो सिंपल सी बात ये है, इस मंथ जो है कम व्लॉग्स आएंगे, बट वेन एवर मेरे को टाइम मिलता है कि भाई सब व्लॉग करना है, जैसे आज मिला टाइम जरा सा तो आर्ट्स में मैंने व्लॉग कर लिया, लेकिन ये हर दिन नहीं मिलेगा, बट कोशिश मेरी रहेगी हर दिन वीडियो बनाऊं, कुछ ना कुछ ट्राई करता रहूंगा या फिर बंच ऑफ वीडियोस को एडिट करके डालूं, बट जैसे तैसे भाई साहब इस महीने जितनी भी वीडियोस डाल सकूं डालूंगा, करना है भाई, करना है, सिंपल सी बात है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, प्लीज़ मेरे साथ कॉपरेट करना, आई नो आप लोगों को वीडियो रोज़ चाहिए, दो तीन जने इंस्टाग्राम पे बोल भी रहे थे भाई वीडियो नहीं चाहिए तो अपडेट कर दिया करो, मैं अब अपडेट कर रहा हूँ कि इस मंथ और अगले मंथ वीडियोस थोड़ी कम आएंगी, लेकिन अप्रैल के बाद मई जून जो वीडियोस आने वाली है ना, वो इतनी फाड़ आने वाली है जिसकी तुम कुछ सोच भी नहीं सकते, जो मैंने अपने माइंड में सोच रखा है, और आई गॉना ब्लास्ट, ये मैं आज बोल रहा हूँ, ये हम जुलाई में बात करेंगे कि मैं कर पाया कि नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे, आई होप मैं आपको अपनी ये खूबसूरत सी शक्ल, आई नो काफ़ी लोग कहेंगे नहीं है बट खूबसूरत मेरे को लगती है, तो ये मैं आपको रोज़ दिखाऊं, तो जय नो भरो तक जाओ, गुड क्वालिटी हेलमेट ऑल सीट बेल्ट वैल ड्राइविंग, बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सिर्फ 700 फॉलोअर्स बचे हैं भाई साहब, करवा दो 10,000 ताकि मैं भी स्वाइप अप चिल्ला सकूँ, प्लीज़ request.